गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. तो क्योंकि फेस्टिव सीरीज चल रहा है, तो आज का वीडियो इज़ अगेन अ फेस्टिव लुक बुक. बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको अंडर 899 प्रोडक्ट्स सिखाने वाली हूँ, एंड दे आर वेरी वेरी अफोर्डेबल एंड यू कैन स्टाइल देम अप ऑन दिवाली बहुत आसानी से, बिकॉज दीज आर लाइक वेरी अफोर्डेबल एज वेल एज ईजी टू रिक्रिएट लुक्स. सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुडेज वीडियो, सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. ऑल्सो इनमें से कुछ चीज़ें तो बहुत सस्ते से स्टार्ट हो जाती है, लाइक थिंग्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 250 और मे बी 300 रुपीज़. सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहला लुक जो मैंने क्रिएट किया है इज़ विद दिस ब्यूटिफुल साड़ी विच आई बॉट फ्रॉम अमेजोन. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस फेस्टिव एपिसोड, मैं आपको बता दूँ कि आज मैं आपको शर्ट्स दिखाने वाली हूँ, कुर्ता सेट साड़ी. इट्स अ मिक्स हॉल एंड इट्स affordable. So the first look that I've created is with this saree. Basically ये जो saree है ना, ये आपको internet पे influencers पे भर भर के मिलेगी, because this is like मुझे लगता है कि one of the cheapest saree available online, जो कि बहुत लोग style करते हैं just because of the color combination, because it has this beautiful vibe of green, blue, pink and orange. मतलब बहुत अच्छे से compliment करता है ये पूरा का पूरा print, and इसका जो material है it is very very soft, तो आप बहुत आराम से इसको drape कर सकते हो. This saree is in क्रेप material, तो काफ़ी अच्छा fabric है इसका, बहुत smooth है, आराम से pleats बन जाती हैं, पल्लू बन जाता है. So I have styled it up with a twist, क्योंकि festival है so we can't style it up like very normally. तो so, I have paired a beautiful blouse. मेरे पास एक designer blouse पड़ा था same रानी color का, वो मैंने पहना. ऊपर से मैंने golden belt लगाया, कानों में बड़े बड़े झुमके पहने, and I have created this look और मुझे काफ़ी अच्छा लगा. यू नो, एक 300 के करीब की साड़ी में अगर ऐसा लुक आप क्रिएट कर सकते हो, देन और आपको क्या चाहिए, इट्स प्रिटी अफोर्डेबल, राइट? तो आप अपना कोई डिज़ाइनर ब्लाउज लेके साड़ी के साथ पेयर कर सकते हो पिंक कलर का, एंड यू कैन जस्ट ईजिली स्टाइल इट अप विद अ बेल्ट, और बेल्ट और नो बेल्ट वो आपका मर्जी है, आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगता है, अच्छा लगता है, आप उस तरीके से स्टाइल कर सकते हो. बट आई रियली लाइक दिस. और इसमें ना अटैच्ड यहाँ पे ये पिंक कलर का ब्लाउज आया है, सेम मटेरियल है, तो फैब्रिक अच्छा है इसका. मुझे लगता है कि जितने प्राइस में साड़ी आती है ना, इट इज़ वर्थ इट. तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए. आई रियली लाइक द कॉम्बिनेशन. इसको मल्टीपल वेज में स्टाइल कर सकते हो, मे बी विद पिंक ब्लाउज, ऑरेंज ब्लाउज, ग्रीन ब्लाउज, ब्लू ब्लाउज, जो भी आपको अच्छा लगे, यू कैन जस्ट गो विद इट. और लुक नंबर टू, बेसिकली ये वाला जो कुर्ता है मैंने मम्मी के लिए ऑर्डर किया है फॉर दिवाली. सो दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड तवस्या इन द साइज लार्ज, और ये मुझे आई थिंक 600-700 के करीब का लगभग पड़ा है. बट इट्स अ ब्यूटिफुल दुपट्टा. इसका जो मटेरियल है दैट इज़ प्योर कॉटन, और उसमें ना फॉयल प्रिंट दिया गया है ऊपर. दिस इज़ इन द साइज़ लार्ज, क्योंकि मैंने मम्मी का साइज़ ऑर्डर किया है, और इस तरीके से पूरे कुर्ते पर डिटेलिंग दी गई है, फ्रंट में, बैक में, यहाँ पर और बॉटम में भी. तो जिसकी वजह से ना ये कुर्ता एकदम अप्रोप्रिएट है फॉर फेस्टिवल्स. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि गोल्ड से बेटर कुछ नहीं लग सकता व्हेन इट कम्स टू स्टाइलिंग फॉर दिवाली. आई थिंक गोल्ड इज़ समथिंग दैट ऑलवेज लुक्स गुड. तो इसको आप स्टाइल कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज. एंड अगर मैं इसके फैब्रिक की बात करूँ, क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मुझे. बस फॉइल प्रिंट है तो थोड़ा सा धोने का ध्यान रखना. अदर देन दैट एवरीथिंग इज़ सो नाइस अबाउट दिस फैब्रिक. एंड दिस इज़ द बॉटम सेक्शन, कुछ इस तरीके का है. तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये वाला, और इसको मैंने स्टाइल किया है विद अ गोल्डन स्कर्ट एंड कॉन्ट्रास्ट में मैंने एक वाइन कलर का दुपट्टा लिया वेलवेट का, विच वॉज अगेन वेरी अफोर्डेबल. तो आप इस तरीके से अपने किसी वेलवेट के दुपट्टे के साथ, और या फिर आप इस पर गोल्डन पैंट या फिर गोल्डन प्लाजो स्कर्ट कुछ भी पहन सकते हो जो आपको अच्छा लगे. गोल्डन स्कर्ट सबके पास मिल जाती है, तो ये उस पर चलेगा, बहुत अच्छा और रॉयल लुक आता है. एंड मैंने मरून कलर के इयररिंग्स पहने, हाथों में खूब सारे बैंगल्स पहन लिए हैं, एंड आई रियली लाइक द लुक, क्योंकि ये काफ़ी रॉयल और क्लासी लगता है. ये एक ऐसा लुक है जिसमें आप कभी फेल नहीं हो सकते, हमेशा ही अच्छा लगेगा. सो यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दिस कुर्ता. मुझे बहुत अच्छा लगा इसका डिज़ाइन. तो कभी कभी आप बेसिक कुर्ता इसको भी ना बहुत अच्छे से स्टाइल कर सकते हो, जस्ट दैट कि उस कुर्ते का वाइब कैसा है. अब
वेल मूविंग ऑन टू अनदर पीस ना, मैंने ये एक कुर्ता सेट ऑर्डर किया था बट ये मुझे काफ़ी छोटा आया है साइज़ में. मैंने स्मॉल ऑर्डर किया था बट इट डजेंट फिट मी. बाकी सब स्मॉल मुझे सही आता है बट इसका पता नहीं क्यों नहीं आया. इट कम्स विद दिस कोटा डोरी दुपट्टा पिंक कलर का. काफ़ी खूबसूरत सेट है सो आई जस्ट इंक्लूडेड इट. मैं ट्राई ऑन नहीं दिखा पाऊंगी इसका बट मुझे अच्छा लगा ये वाला. एंड दिस इज़ द कुर्ता दैट कम्स विद इट. इस पर ना यहाँ पर ये काम दिया गया है. मे बी मैं इसको एक्सचेंज करूँगी विद मीडियम, शायद वो मुझे सही आए. गो सिल्की इसका ब्रांड है और फ्रंट में इस तरीके का वर्क दिया गया है. इसमें सिंपल बेसिक सी एम्ब्रॉयडरी है. स्लीव्स पे भी सेम एम्ब्रॉयडरी है. आई रियली लाइक द कलर. मुझे लगता है कि ये बहुत बेसिक सा आउटफिट है. मे बी फॉर धनतेरस और गोवर्धन वगैरह पे आप इसको पहन सकते हो फॉर द कम्फर्ट. एंड इस तरीके की इसमें पैंट दी गई है. दिस इज़ रेयन फैब्रिक. अगेन कम्फर्टेबल तो है इसका फैब्रिक लेकिन मुझे साइज़ छोटा आया सो आई एम नॉट श्योर. बट ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है साथ में. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एंड अ हैप्पी फेस्टिवल वाला वाइब. और इसके साथ आप झुमके पहनो सिल्वर, बहुत सुंदर लगेगा. अगेन आई थिंक दिस वॉज प्राइस फॉर अराउंड मे बी 700 or 600 रुपीज़ इतने का ही था. सो दिस आर प्रिटी अफोर्डेबल. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कुर्ता सेट. सो बेसिकली आई ऑर्डर दिस ब्यूटिफुल पर्पल कुर्ता जिसके साथ पहले मैं पैंट दिखा देती हूँ. कुछ इस टाइप की पैंट आई है. दिस इज़ आर्ट सिल्क में पैंट है और ये ब्रोकेड का इसका कुर्ता है कुछ इस तरीके का. काफ़ी खूबसूरत कलर है. जस्ट बिकॉज ऑफ द कलर आई ऑर्डर्ड इट. और यू ना इसमें ना यहाँ पर फ्रंट में इस तरीके की डिटेलिंग दी गई है. दिस इज़ द नेक, दीज आर द स्लीव्स. तो इसमें स्लीव्स अटैच नहीं आई हैं. सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग स्लीव्स, तो स्लीव वाला अगर चाहिए तो ये नहीं हो पाएगा. बट स्लीवलेस अगर आपको पसंद है, दिस वन इज़ समथिंग दैट आई रियली लाइक. ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिला. दिस इज़ इन द साइज स्मॉल. इट फिट्स परफेक्टली. मुझे इसका डिज़ाइन कपड़ा अच्छा लगा बिकॉज इट हैज़ दिस रियली नाइस डिज़ाइन. और अंदर इसमें अस्तर भी दिया गया है. इस प्राइस में आपको एक अच्छा ब्यूटीफुल सा कुर्ता सेट मिलता है. इसमें और भी कलर्स अवेलेबल है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हैं. इट कम्स विद दिस ब्लू दुपट्टा. इसके साथ भी अच्छा लगता है बट इस दुपट्टे में वो फेस्टिवल वाला वाइब नहीं आता है. सो आई चेंज इट विद माई गोल्डन हैवी दुपट्टा. अगर आपके पास कोई हैवी दुपट्टा है तो आप इसके साथ पेयर करना, बहुत सुंदर लगता है. ये कुर्ता सेट बहुत खूबसूरत है. एंड फिर मैंने इयररिंग्स पहने सिंपल एंड इट लुक्स वेरी 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 ब्यूटिफुल. तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये वाला बिकॉज आई रियली लव द कलर. ये बिल्कुल फेस्टिवल वाली वाइब देता है आपको. लुक एट द डिज़ाइन एंड एवरीथिंग. बट ये फिर इसको डल कर देता है. तो ये वाला कलर मैं नहीं सजेस्ट करूँगी इसके साथ आपको. तो नॉर्मली अगर आप कहीं जा रहे हो ना तो ये आप इसके साथ पहन सकते हो. बट इफ़ यू वॉन्ट समथिंग फॉर फेस्टिवल्स तो मुझे लगता है कि गोल्डन दुपट्टा लुक्स वे बेटर देन दिस वन. इस तरीके से आप अपने पास रखी हुई चीज़ों से अच्छे अच्छे आउटफिट्स क्रिएट कर सकते हो. एंड द लास्ट लुक दैट आई हैव क्रिएटेड टुडे इज़ द वन दैट आई एम वेयरिंग राइट नाउ. आई एम वेयरिंग दिस वेरी ब्यूटीफुल ब्लैक स्कर्ट फ्रॉम द ब्रांड जना की. मैंने बहुत पहले ली थी. इसका लिंक अगर मुझे मिलेगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. ये काफ़ी अफोर्डेबल स्कर्ट है लेकिन इसका घेर बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी लगती है पहनने के बाद. दिस इज़ इन क्रेप मटेरियल तो उसके कलर जाने के भी चांसेस नहीं है. पूरे घेर वाली स्कर्ट है, कलियां हैं इसमें इस तरीके से. एंड इसके साथ मैंने पेयर किया है ये ग्लोबल देसी का शर्ट जो कि मैंने अमेजोन से ही लिया. आई थिंक इट वाज आल्सो अराउंड 500 or 600 रुपीज़. इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है. दिस इज़ वेरी सॉफ्ट रेयन. और इसके ना कॉलर में इस तरीके की डिटेलिंग दी गई है. द बेस्ट थिंग दैट आई लाइक अबाउट इट इज़ द कलर. आई लव दिस रस्ट ऑरेंज बिकॉज ये बहुत अच्छा आता है पिक्चर्स में. आप चाहो तो व्हाइट स्कर्ट के साथ पेयर कर लो बट मुझे ब्लैक के साथ काफ़ी अच्छा लगा. मैंने ये सिंपल नेकलेस पहना, फ्लावर लगाया, बैंगल्स पहने ब्लैक कलर के टू मैच माई स्कर्ट और मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला लुक. दिस इज़ वेरी वेयरेबल और जिन लोगों को साड़ी और सूट नहीं पहना उनके लिए बहुत कंफर्टेबल भी होता है और बहुत स्टाइलिश और मॉडर्न एथनिक वाला वाइब देता है. यहाँ पर आप चाहो तो कोई और नेकलेस बड़ा भी पहन सकते हो बट मुझे ये अच्छा लग रहा था सो आई ऑप्टेड फॉर दिस वन. और इयररिंग्स मैंने स्किप कर दिए बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन राइट ईयर. तो मैंने इतना ही रखा. इट्स वेरी सटल एंड नाइस एंड कंफर्टेबल लुक फॉर दिवाली. मतलब आप आराम से इसमें चल फिर सकते हो. That's it for today's video. I hope ki video aapko achhi lagi ho. So I tried to keep things very affordable. So yeah, that's it for today's video. Video chale to like kar dena, subscribe kar do channel ko, share kar dena friends ke saath. Till then take care. Bye bye. See you next time.